મારા એક્ઝિટ પોલ લગભગ 6 વાગ્યા બાદ આવી જશે, કારણ કે થોડી ટેકનિકલ બાબતો હોય ને, 6 વાગ્યા બાદ જે ઇલેક્શન કમિશન ગાઈડલાઈન છે પ્રમાણે આપણે આપી દઈશું. પરંતુ ઝારખંડ અમારા સંવાદદાતા અમારી સાથે જોડાયા છે, કામરાન. કામરાન, લોકસભા ચુનાવ કા સાતું ચરણ કા લગભગ મતદાન પૂર્ણ હો ચુકા હૈ અભી તક, અબ નતીજો કી બારી હૈ. આપકે રાજ્ય મેં હવા કિસ તરહ કી રૂખ દિખ રહે આપકો? जी बिल्कुल, दोनों दलों ने पुरजोर आजमाइश की है 2019 के चुनाव को लेकर. और ऐसे में अगर हम बात करें एनडीए की, तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में मोदी लहर साफ तौर पर देखने को मिली है. लेकिन महागठबंधन भी चुनाव के रिजल्ट को बदलने में एक अहम किरदार निभा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा गया है, तो ये भी एक अहम फैक्टर होगा जो कि बीजेपी यानी एनडीए के वोट को प्रभावित कर सकता है. बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लोगों का रुझान महागठबंधन की तरफ रहा या फिर एनडीए की तरफ. बिल्कुल बिल्कुल कामरान, ये तो झारखंड की बात की, लेकिन यूपी में भी 2014 में सबने देखा कि 73 सीट उनके पास आई थी बीजेपी के पास. इस बार आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, अगर 2014 की बात करें तो बीजेपी को 2014 में 14 लोकसभा में 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी. और अगर 2019 की बात करें तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी अंडर करेंट देखने को तो मिला है, लेकिन महागठबंधन का फैक्टर भी कहीं ना कहीं रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है. इसीलिए अगर जानकारों की माने और राजनीतिक जानकारों की माने खासकर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 14 लोकसभा में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा. जी, तो आपके राज्य में मतदान के प्रतिशत क्या रहे हैं और इस बार 2014 की तुलना में इस बार क्या माहौल है, वहां पर कितना अंतर रहेगा? जी बिल्कुल, अगर झारखंड की बात करें तो पूरे राज्य में वोट प्रतिशत में काफी इजाफा देखने को मिला है. और अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो जहां भी वोट प्रतिशत में इजाफा होता है वहां लोग परिवर्तन चाहते हैं. हालांकि ये बातें बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठती हैं, क्योंकि कई उपचुनाव में देखे गए हैं कि वोट प्रतिशत में इजाफा भी हुआ है लेकिन वहां पर परिवर्तन नहीं हुआ है. तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले बार की बनिस्बत इस बार वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, इसका फायदा किसे मिलता है, ये देखने वाली बात होगी. जी बिल्कुल, तो अभी तो सत्ता में मोदी सरकार है, लेकिन नतीजों के बाद बनेगी किसकी सरकार, वहां पर कैसी लहर दिखती है आपको? देखिए बिल्कुल, अगर नतीजे की बात किसकी सरकार बनेगी, ये बात कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी. हालांकि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए लगातार ये नारा लगाता रहा है कि अब की बार 400 पार. और अब की बार 400 पार के आंकड़े को एनडीए कितना छू पाएगी, ये तो मतदाता का जो रुझान रहा है उसके बाद ही पता चल पाएगा. लेकिन बीजेपी के लिए यानी एनडीए के लिए ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो पिछले बार तमाम जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार गोलबंद होकर एकजुट होकर तमाम लोगों ने महागठबंधन की तर्ज पर चुनाव लड़ा है, जिससे कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है. हालांकि महागठबंधन का जो मामला है उसमें कई राज्यों में महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, तमाम नेता एक मंच पर तो आए थे लेकिन अलग अलग उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो इसका नुकसान भी महागठबंधन को थोड़ा देखने को मिल सकता है. हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर वोटर्स का रुझान किसके पक्ष में हुआ है, लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी यानी एनडीए अब की बार 400 पार का नारा लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है. जी बिल्कुल, तो नतीजे सरप्राइज आ सकते हैं, चौंकाने वाले आ सकते हैं. जी बिल्कुल, अगर नतीजों की बात करें तो अगर नतीजे चौंकाने वाले आए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए लगातार ये दावा करता रहा है कि 14 के 14 लोकसभा पर उनका कब्जा होगा, वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन साफ तौर पर यह कहता रहा है कि 11 सीटों पर उनकी बढ़त है. हालांकि तमाम पार्टियों के दावे अलग अलग हैं, लेकिन इस दावों की हकीकत कितनी है और जनता का रुझान किस तरफ गया है, ये आगामी 23 मई को ही पता चल पाएगा.